Assalamualaikum class. I'm Sajid Rashid, MPhil Zoology lecturer, Heritage Group of Colleges Bukhara. जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पेपर पैटर्न. बायोलॉजी के पेपर पैटर्न में कितने मार्क्स होते हैं वो हमारा कल का लेक्चर था. आज लेक्चर नंबर टू में हमने जो स्टार्ट करना है वो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स. इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम का इंट्रोडक्शन जाने से पहले प्रैक्टिकली लाइफ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंजाइम क्या होते हैं. कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होती है, आपको सम पोटेंशियल रिक्वायर होता है, आपको सम पावर रिक्वायर होती है. बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन फुलफ़िल हो रहे होते हैं. कौन से डिफरेंट फंक्शन फुलफ़िल हो रहे होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन सारे फंक्शंस को फुलफ़िल करवाने के लिए आपकी बॉडी में क्या सिक्रीट होते हैं? इंजाइम सिक्रीट होते हैं. इंजाइम्स क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? इन्हांस कर देते हैं, उसको स्पीड अप कर देते हैं. अगर ये इंजाइम रिलीज नहीं होंगे तो क्या फिर आपकी बॉडी में फंक्शन फुलफ़िल नहीं होंगे? क्या आप ज़िंदा नहीं रहेंगे? इट्स द क्वेश्चन कि अगर ये इंजाइम आपकी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहे तो देन क्या होगा? आपकी डेथ हो जाएगी? नो, आपकी बॉडी में फंक्शन तो फुलफ़िल होंगे लेकिन वो बहुत ही नैरो रेंज में होंगे, बहुत ही स्लो स्पीड में होंगे. देन क्या होगा कि आपकी बॉडी में, आपके स्टोमिक में डिफरेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, स्टोमिक एसिडिटी. तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए नेचुरली आपकी बॉडी में क्या सिंथेसाइज होते हैं? इंजाइम. इनके फंक्शन पे आने से पहले, सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंजाइम. एक्चुअली एक इंजाइम क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजाइम. इंजाइम क्या है? अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सब्सटेंस मीन एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़, कोई भी छोटा मटेरियल प्रोड्यूस बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, जिंदा चीज़ ने सिंथेसाइज करना है. विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट. जो क्या एक्ट करता है? एज अ कैटलिस्ट, एज अ इन्हांसर, एज अ स्पीडर, एज अ एक्सलरेटर. जो क्या करेगा? किसी भी होने वाले रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, उसको कैटालाइज करेगा, उसको एक्सलरेट करेगा. टू ब्रिंग अबाउट अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, आपकी बॉडी में होने वाले स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, उसको जल्दी से फुलफिल करवाने के लिए आपकी बॉडी में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जिसको क्या कहते हैं? इंजाइम. यहाँ पे आपने देखा है कि एक टर्म यूज हुई है, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन. आप सोच रहे होंगे क्या है स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन? स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन से मुराद ये है कि आपकी बॉडी में होने वाले कोई स्पेसिफिक फंक्शंस, केमिकल रिएक्शन, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी खुराक का हजम होना. तो ये स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, इसको फुलफिल करवाने के लिए आपकी बॉडी में एक इंजाइम सक्रीट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सक्रीट होता है. कहाँ से सक्रीट होता है? आपकी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? इसको सक्रीट करते हैं और ये इंजाइम आपकी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, इन्हांस करते हैं. इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ इंजाइम. इंजाइम की क्या कंपोजिशन होती है, किस चीज़ से इंजाइम बना होता है और किस तरह ये अपने फंक्शन फुलफ़िल करवाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को फुलफ़िल करवाने के लिए. सो द कंपोजिशन ऑफ इंजाइम. इंजाइम की कंपोजिशन से पहले आपने इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि इंजाइम क्या होते हैं. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को, स्पेसिफिक फंक्शन को फुलफ़िल करता है, कैटलाइज करता है, इन्हांस करता है, स्पीड अप करता है. लेट सपोज हम इसकी बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सिन. इट्स मीन टू से आप अपनी डेली लाइफ में फूड इनटेक करते हैं, आप खुराक खाते हैं. जब आप खुराक खाते हैं तो आपकी फूड में डिफरेंट फूड पार्टिकल्स होते हैं. लेट सपोज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स. तो इन सब फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने के लिए आपकी बॉडी में इंजाइम सक्रीट होते हैं. जैसे कि पेप्सिन इंजाइम, इट एक्टिव इन इट्स इनिशियल फॉर्म. ये जब अपनी इनिशियल फॉर्म में सक्रीट होता है तो कौन से फॉर्म में ये सक्रीट होता है? पेप्सिनोजिन. पेप्सिनोजिन क्या है? इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव है. जब इसने फंक्शन करना है तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज पेप्सिन. हम एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में फर्दर डिटेल में हम बात करेंगे, अभी तक आप जस्ट उसकी इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पे फोकस करें.
जैसा कि इंट्रोडक्शन और एग्जांपल आपको समझ आ गए, उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कंपोजिशन क्या होता है, एंजाइम किस चीज़ से मिलके बना होता है, इसकी कंपोजिशन में, इसके बनाने में कौन सी चीज़ों ने किरदार अदा किया है। एंजाइम इज़ कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या करते हैं, ये एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड ज्वाइन करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से, और पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंजाइम्स की फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर एक एंजाइम ने वर्क करना है तो क्या उसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, क्या उसने अपनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। प्रैक्टिकली लाइफ में आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, लाइक वॉशिंग मशीन है, फ्रीज़र है, टीवी है, जब आपने उसको ऑन करना होता है तो आप मेन बोर्ड के अंदर स्विचेस बने होते हैं जिसके अंदर आप उसकी वायर को इंसर्ट करते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाता है, जैसा कि टीवी ऑन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह एंजाइम की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि उसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। अगर उसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो एंजाइम अपनी प्रॉपर फंक्शन बिल्कुल नहीं करेगा। तो एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोफैक्टर मॉलिक्यूल होते हैं। कोफैक्टर, यहाँ पे वर्ड कोफैक्टर की बात हो रही है। कोफैक्टर का मतलब होता है हेल्पर, पार्टनर, जो जस्ट इसकी हेल्प करता है, जो कि खुद यूटिलाइज नहीं होता। बेशक एंजाइम भी यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी उसको एक कोफैक्टर चाहिए जो क्या करता है, एंजाइम को एक्टिव रखता है ताकि वो अपने प्रॉपर फंक्शन को फुलफिल करें। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद एक इसकी स्पेसिफिक साइट होती है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के ऊपर आपका कोई भी फूड पार्टिकल, जिसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। यहाँ पे सबस्ट्रेट आपके फूड पार्टिकल को कहा गया है। फूड पार्टिकल मीन आपने जो खुराक खाई है, आपने ब्रेड, राइस, जो भी चीज़ इंटेक की है वो आपका सबस्ट्रेट है। लेट्स सपोज लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, जब इन्होंने डाइजेस्ट होने हैं तो डाइजेशन के प्रोसीजर में सबसे पहले एंजाइम अपना वर्क करता है। तो एंजाइम मॉलिक्यूल के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल, आपका फूड पार्टिकल आकर बाइंड करेगा। जैसे ही वो बाइंड करेगा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, कोफैक्टर मॉलिक्यूल उसको फिक्स टाइट कर लेगा, और इसी तरह ये रिएक्शन फुलफिल होगा और आपका फूड पार्टिकल अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा। तो ये था एंजाइम का वर्क। उसने क्या किया है कि आपके बॉडी में होने वाले रिएक्शन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या किया है, इन्हांस कर दिया, स्पीड अप कर दिया है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने बात की थी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली एक्टिव साइट क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रैक्टिकली एग्जांपल दी है कि कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जब ऑन करना होता है, लाइक लेट्स सपोज टीवी, जब आपने टीवी ऑन करना है तो उसकी वायर को आप मेन बोर्ड के ऊपर स्विचेस बने होते हैं उसमें इंसर्ट करते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। वो एक्टिव साइट क्या करती है, सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट डेफिनेशन। आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक्टिव साइट क्या होती है। द कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक मीन स्पीड अप, इन्हांसर, एक्सलरेटर, उसकी स्पीड करने वाली ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है महदूद हो जाना, मुख्तसरन वो लिमिटेड हो गया। यहाँ पे जैसा कि प्रैक्टिकली लाइफ में आपको बोर्ड की एग्जांपल दी कि स्विचेस जो हैं वो लिमिटेड हैं, वो लिमिटेड साइट है जहाँ पे आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की वायर को इंसर्ट करने। बिल्कुल इसी तरह कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा है कि एक छोटे से पोर्शन पर वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। द स्ट्रक्चर दैट इज़ नाउन एज एक्टिव साइट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। अगर उसकी एक्टिव साइट नहीं होगी तो आपका फूड पार्टिकल एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा, रिएक्शन फुलफिल नहीं होगा, और क्या होगा कि आपकी फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगी। रिएक्शन विदाउट एंजाइम बहुत ही नैरो रेंज में, बहुत ही स्लो रेंज में होगा। तो मैं इस टॉपिक को रिपीट कर देती हूँ कि आज का जो हमारा
सेकंड लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. एंजाइम क्या होते हैं? कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं और ये बॉडी में होने वाले स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं, इसको स्पीड अप कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन. आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी हैव टू नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम. एंजाइम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं या किस चीज़ ने इसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है. एंजाइम इज़ कम्पोज ऑफ अमाइनो एसिड. डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलकर डिफरेंट एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं. इसी तरह डिफरेंट एंजाइम मिलकर फिर डिफरेंट फंक्शन फुलफिल करते हैं आपकी बॉडी में. आफ्टर दैट हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. एंजाइम के स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एक एंजाइम की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका फूड पार्टिकल जिसको हमने सब्सट्रेट कहा था वो उसके साथ आकर बाइंड करता है और उसी तरह रिएक्शन फुलफिल होता है. तो एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर. अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. जैसा कि उसके स्ट्रक्चर में बताया गया है, मेंशन किया गया एक्टिव साइट, तो यू हैव टू नो अबाउट द एक्टिव साइट. आपको एक्टिव साइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एक्टिव साइट क्या होती है. एक्टिव साइट क्या है? द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर नाउन एज एक्टिव साइट. एंजाइम के ऊपर वो छोटा सा एरिया, वो छोटी सी जगह जो महदूद हो गई है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट. और ये वो साइट है जिसने एक्टिव होना होता है, जिसने फंक्शन फुलफिल करना होता है. आपने डेली जो भी खुराक खाई है, जो भी फूड पार्टिकल इनटेक किए हैं, अब एवरी फूड पार्टिकल को कैटालाइज करने के लिए, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करने के लिए एवरी स्पेसिफिक एंजाइम होगा. हर एंजाइम जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगा और जिस जगह पे, जिस एरिया पे वो ये फंक्शन फुलफिल होगा, ये रिएक्शन होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. आई होप सो कि आपको एक्सप्लेनिंग और बोर्ड पे ड्रा करने के बाद बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी. थैंक यू.